गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द सेंटेंसेस। ओके बच्चों, तो इसमें जो हमारा रीडिंग पोर्शन है चैप्टर फर्स्ट का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और जो सेंटेंस है वो किस चीज से मिलकर बनते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए सेंटेंस क्या होता है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि बच्चों, एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो मिलकर एक अच्छा सेंस बनाए उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ओके बच्चों, तो देखिए अभी जो सेंटेंसेस हैं बच्चों, इसके कितने फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था यूनिट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस की हमने यूनिट्स पढ़ी थी जैसे कि वर्ड, क्लॉज, फिर हमने पढ़ा था फ्रेज। ओके बच्चों, तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, यानी कि एक लाइन आपको दी हुई है तो उसके अंदर उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो जो सेंटेंस था हमारा उसके होते हैं दो पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज प्रेडिकेट। ओके, यानी कि उसके दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके बच्चों, फिर देखिए फिर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो होते हैं हमारे फोर टाइप्स के। सबसे फर्स्ट था हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके बच्चों, और इस सेंटेंस के अंदर भी आपके दो पार्ट्स थे, एक था अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड था नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके बच्चों, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? वो सीधा आप उनको कुछ चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि ये चीज़ होती है, यानी कि ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी ही है, यानी कि वो हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं या फिर ये कोई चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। ओके, और अगर यही चीज़ अगर पॉजिटिव में है तो उसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अगर ये जो चीज़ है वो नेगेटिव में जा रही है यानी कि शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल, यानी कि ये नेगेटिव में है कि वो सुंदर नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन ये दोनों पार्ट किसके हैं? असर्टिव सेंटेंसेस के ये पार्ट है। ओके बच्चों, फिर हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस आते हैं? इसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो WH से स्टार्ट होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ओके बच्चों, फिर जो थर्ड था हमारा वो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो बच्चों, इसके अंदर इजी सी आइडेंटिफिकेशन है इनकी कि ये क्या करते हैं, एकदम कोई सडन फीलिंग शो करते हैं, यानी कि कोई फीलिंग, वाओ दैट्स ब्यूटिफुल, यानी कि वो बहुत सुंदर है, वाओ, अलास। तो ये बच्चों, ये सब जो शब्द होते हैं, यानी कि ये सब जो वर्ड्स होते हैं, सॉरी, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं, वाओ, अलास, हश, तो बच्चों ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके ऐसे, ये क्या करते हैं? सडन फीलिंग शो करते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनकी एक आइडेंटिफिकेशन और क्या होती है कि इनके सेंटेंसेस के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर लास्ट हमने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो बच्चों, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? किसी को ऑर्डर या फिर कमांड देते हैं, या कोई एडवाइस या सजेशन है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें सेंटेंस में कोई किसी से कमांड कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस या सजेशन या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके बच्चों, आपको समझ आया कि ये चारों सेंटेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो ये मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया है। अब हम करेंगे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंसेस, उसकी सी एक्सरसाइज। ओके, जो आपकी ए एंड बी एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे हमारी सी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, तो देखिए, स्टेट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड एनसर्कल द पंक्चुएशन मार्क्स। तो बच्चों, आपको इस एक्सरसाइज में बताना है कि ये जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं ये कौन से तरह के सेंटेंसेस हैं, और आपको इनमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, यानी कि उन पे एनसर्कल करना है, यानी कि सर्कल करना है आपको पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर। तो बच्चों, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं हमारे? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन। तो बच्चों, ये सारे होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स।
और पंचुएशन मार्क्स और क्या होते हैं बच्चों, जो स्टार्टिंग लेटर होता है हमारा वो होते हैं पंचुएशन मार्क्स, ओके, बिकॉज वो कैपिटल में लिखे हुए होते हैं एंड जो कैपिटल लेटर होता है वो भी हमारा पंचुएशन के अंदर ही आता है, ओके बच्चों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल हैड नेवर सीन अ स्कॉर्पियन बिफोर, यानी कि जो राहुल है उसने कभी स्कॉर्पियन नहीं देखा, पहले उसने कभी स्कॉर्पियन नहीं देखा। तो बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है, ये तो आपको सीधा सा सेंटेंस लग रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस, ओके। अब बात करते हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स की इस सेंटेंस के अंदर। तो इस सेंटेंस में बच्चों आपको फुल स्टॉप दे रखा है, तो देखिए मैंने फुल स्टॉप पे एन सर्कल किया हुआ है, यानी कि सर्कल किया हुआ है फुल स्टॉप पे फर्स्ट सेंटेंस में, एंड जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर जो राहुल का आर है वो कैपिटल है, यानी कि वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसीलिए ये भी क्या है हमारा पंक्चुएशन मार्क, तो ये भी हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। और ये सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, ओके। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, हेमा स्पीक्स मोर पोलाइटली देन सीमा, यानी कि जो हेमा है लड़की वो ज़्यादा अच्छे से बात करती है सीमा के कंपैरिजन में, यानी कि सीमा जो है वो थोड़ा कम पोलाइटली बात करती है, यानी कि कम अच्छे से बात करती है, जबकि जो हेमा है वो बहुत अच्छे से बात करती है, पोलाइटली बात करती है, ओके। तो देखिए बच्चों ये आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, ये भी आपको एक चीज़ बता रहा है कि जो हेमा है वो ज़्यादा अच्छा बोलती है सीमा से, तो ये आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। फिर हम अगर बात करें पंक्चुएशन मार्क की, तो इसके अंदर हेमा का जो एच है वो हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा है इसीलिए, ओके। एंड लास्ट में जो फुल स्टॉप है वो है हमारा पंक्चुएशन मार्क। हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ये दो क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, हैव शेरी एंड हर फ्रेंड्स नॉट डन देयर वर्क, यानी कि यहाँ पूछा गया है आपको कि शेली और जो उसकी फ्रेंड्स है क्या उन्होंने काम नहीं किया, यानी कि उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया, ये पूछ रही है। तो ये क्या है बच्चों, इसमें WH क्वेश्चन, सॉरी ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके बच्चों। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें पंक्चुएशन मार्क्स की, तो देखो इसमें हैव का एच जो है वो कैपिटल है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। फिर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका पंक्चुएशन मार्क, ओके बच्चों। तो देखिए आपको थ्री क्वेश्चंस तक क्लियर हो गए, अब हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वाज, तो बच्चों इस सेंटेंस में आपको क्या बोला गया है, वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वाज, यानी कि वो कितना अच्छा मैच था, कितना इंटरेस्टिंग मैच था। तो ये जो आपको वाओ दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, सडन फीलिंग शो कर रहा है ना बच्चों, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको सडन फीलिंग शो हो रही है, वाओ, है ना बच्चों। तो ये जो वाओ है ये किसका साइन है, ये है एक्सक्लेमेशन साइन, आप देख सकते हैं वाओ क्या ये आपको एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। एंड सेंटेंस के एंड में भी आपको एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा है, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके बच्चों। तो आपका फोर्थ भी हो गया। फिर पंक्चुएशन मार्क्स देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में, एक तो वाओ का W जो है वो कैपिटल है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा हमारा W पंक्चुएशन मार्क। फिर आपको जो एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा है वाओ के जस्ट आगे, तो ये हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क, ओके बच्चों। फिर एट द लास्ट यानी कि जो एंडिंग में आपको एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा है वो भी हो जाएगा आपका पंक्चुएशन मार्क। फिर देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू गो विदाउट परमिशन, यानी कि तुम बिना परमिशन के कैसे जा सकते हो। तो बच्चों आपको इसमें पूछा गया है कि तुम बिना परमिशन के कैसे बाहर जा सकते हो, ओके। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके बच्चों। देखिए ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब अगर हम बात करें पंचुएशन मार्क्स की, इसके अंदर पंचुएशन मार्क की, तो यहाँ देखिए हाउ का जो एच है बच्चों वो हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क, बिकॉज ये कैपिटल में लिखा है इसीलिए। ओके, एंड एट द लास्ट इसमें जो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो भी है हमारा पंचुएशन मार्क। फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों, द मेडिसिन वॉज नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि बच्चों जो मेडिसिन थी, जो दवाई थी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दे रखा है। अब बच्चों आप यहाँ पर नॉट लगाया है इसीलिए आप बोलेंगे कि ये तो मैम नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। देखिए ये जो सेंटेंस है कि दवाइयाँ महंगी नहीं थी, तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव साइड में जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है अपन को। ओके, ये क्या बता रहा है कि जो मेडिसिन थी वो महंगी नहीं थी। ओके बच्चों, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है हमको, इसीलिए क्या है हमारा असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, फिर देखिए इसमें पंचुएशन मार्क्स, तो देखिए बच्चों द जो इसमें टी है, द का जो टी है इसके अंदर वो हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क। फिर जो इसमें लास्ट में आपको फुल स्टॉप दे रखा है वो हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क। देखो बच्चों, जो लास्ट में हमेशा पंचुएशन मार्क्स, यानी कि जो लास्ट में आपको जो भी मार्क दिया है, यानी कि वो एक्सक्लेमेटरी साइन है या फिर क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप है, तो ये जो सारे होते हैं तो ये आपके हमेशा ही पंचुएशन मार्क्स होते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखिए बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन, शी इज़ नेवर लेट, यानी कि वो कभी लेट नहीं होती है। ओके बच्चों, तो देखिए ये आपको सिंपल सेंटेंस दिया है फिर से कि वो कभी लेट नहीं होती है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। ओके बच्चों, फिर यहाँ पर पंचुएशन मार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी का जो एस है बच्चों वो हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क, क्योंकि ये जो लेटर है ये हमारे सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है। ओके बच्चों, फिर लेट के जो लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है आपको, तो ये जो फुल स्टॉप है ये क्या है हमारा पंचुएशन मार्क। ओके, तो ये हो जाएगा अपन के पंचुएशन मार्क्स, और ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा बच्चों, असर्टिव सेंटेंस। ओके, फिर देखिए प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, यानी कि ये हमको एडवाइस दे रहा है कि तुमको तुम्हारे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि तुम तुम्हारे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। ओके, तो बच्चों ये कौन सा है एडवाइस हमें दे रहा है, तो जो भी एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, अब अगर हम इसमें बात करें पंचुएशन मार्क की, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रिपेयर का जो पी है बच्चों, स्टार्टिंग लेटर, कैपिटल लेटर जो पी है, ये हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क, एंड जो हमारे टेस्ट के एट द लास्ट में जो फुल स्टॉप दिया है हमें, तो ये जो फुल स्टॉप है ये हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क। ओके बच्चों, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनके एंड में जितने भी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन जितने भी होते हैं, ये सारे होते हैं हमारे पंचुएशन मार्क्स। ओके, जो हमारे सेंटेंस को अच्छा दिखने में और अच्छा समझाने में मदद करे, उनको हम लोग बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स। ओके बच्चों, फिर बच्चों देखिए नाइन्थ सेंटेंस, डिड माय फ्रेंड्स अप्रिशिएट मी अ लॉट, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं क्या उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, यानी कि क्या उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की है, यानी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने में, अच्छा लगाने में मदद की है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसके लास्ट में भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, फिर अगर हम बात करें पंचुएशन मार्क की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए डेड में जो डी है बच्चों वो हो जाएगा हमारा पंचुएशन मार्क, क्योंकि ये स्टार्टिंग लेटर है। ओके बच्चों, तो यहाँ जो डी है वो है हमारा पंचुएशन मार्क, एंड जो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये भी है हमारा पंचुएशन मार्क, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी लास्ट में एंडिंग के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पंचुएशन मार्क होते हैं। ओके, अब देखिए टेंथ क्वेश्चन, ओबे योर एल्डर्स,
तो बच्चों जो हमारा नाइन्थ सेंटेंस है वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है एक क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, फिर अगर पंक्चुएशन मार्क की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर डिड का हो जाएगा डी, जो है वो हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। एंड एट द लास्ट, यानी कि लास्ट में जो आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो भी है हमारा पंक्चुएशन मार्क। ओके, अब देखिए बच्चों, टेंथ क्वेश्चन, ओबे योर एल्डर्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको एडवाइस दे रखी है, ओके, कि हमें हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, यानी कि हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एडवाइस, कमांड, सजेशन, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ये कौन से होते हैं? हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन मार्क, तो पंक्चुएशन मार्क के अंदर देखिए बच्चों, ओबे के अंदर जो ओ है ओबे का, वो हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क, क्योंकि ये स्टार्टिंग लेटर है, कैपिटल लेटर है, इसीलिए हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। फिर लास्ट में देखिए बच्चों, एल्डर्स में जो लास्ट के अंदर आपका फुल स्टॉप है, ये भी हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। और ये सेंटेंस कौन सा है बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर 11th क्वेश्चन देखिए, डोंट चीट एनीवन, यानी कि हमें किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी से भी कुछ बदमाशी या फिर जो भी चीज़ हम करते हैं जो गलत होती है वो हमें नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये भी हमें एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर डोंट का जो डी है वो हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। ओके, एंड जो इसमें एनीवन के लास्ट में जो फुल स्टॉप है, ये हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। ओके, एंड सेंटेंस कौन सा है बच्चों? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर देखिए 12th सेंटेंस, वी शुड रेस्पेक्ट आर टीचर्स, यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमें एडवाइस दे रहा है, इसीलिए हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगर हम बात करें इसमें पंक्चुएशन मार्क की, तो इसमें देखिए बच्चों, वी का जो डब्ल्यू है वो हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। ओके, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। एंड लास्ट में देखिए बच्चों, टीचर्स के एंड में जो फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप हो जाएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क। ओके बच्चों, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर सी है, ये आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये अपनी बुक्स के अंदर ही फिलअप करना है, और इसे अच्छे से आप समझ के इसको फिल करेंगे। ओके बच्चों, तो ये है आपका आज का होमवर्क। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डी, और हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रोनाउंस। ओके बच्चों।